नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ हीना। अगली खबर में बात करते हैं उज्जैन की, जहां शहर में पेयजल वितरण नियमित रूप से नहीं होने कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। नियमित रूप से जल प्रदाय नहीं होने पर शहर कांग्रेस कमेटी के साथ नगर निगम के कांग्रेस के पार्षदों ने शनिवार को पीएचई कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए मटके फोड़े। नगर निगम के माध्यम से पीएचई विभाग द्वारा शहर के वितरण किए जाने वाले पेयजल को लेकर लोगों में आक्रोश है। श्राद्ध पक्ष के बावजूद पीएचई विभाग नियमित रूप से पेयजल उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। जब कभी नलों में पानी आता है तो वह गंदा और पीने योग्य नहीं होता है। शनिवार को शहर कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस के पार्षदों ने चामुंडा माता चौराहे पर पेयजल को लेकर प्रदर्शन किया। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने बताया कि लंबे समय से नियमित रूप से जल प्रदाय नहीं होने के कारण लोग परेशान है। स्थिति पूरे शहर की है। प्रदर्शन के बाद सभी कांग्रेस जनों ने पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री राजीव शुक्ला को नगर निगम आयुक्त के नाम से ज्ञापन सौंपकर शहर में साफ स्वच्छ पेयजल नियमित रूप से उपलब्ध कराने की मांग की है। कांग्रेस ने नगर निगम व पीएचई विभाग को व्यवस्था सुधारने के लिए 3 दिन का समय दिया है। कांग्रेस के पार्षद और पदाधिकारी प्रदर्शन के दौरान अपने साथ खाली मटके लिए हुए थे। पेयजल की समस्या को लेकर जब पीएचई के कार्यपालन यंत्री राजीव शुक्ला को ज्ञापन सौंपा, कार्यकर्ताओं ने खाली कार्यपालन यंत्री शुक्ला को देने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने मटके लेने से इनकार कर दिया। इस पर कांग्रेसियों ने बाहर ही मटके फोड़ दिए।